और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के 21 प्रत्याशियों की पहली बैठक प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक हो रही है। बीजेपी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। अगर प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की बात की जाए या नितिन नवीन की बात की जाए, ये सभी पधारे हुए हैं यहाँ। सह प्रभारी नितिन नवीन बैठक में मौजूद है, प्रभारी ओम माथुर मौजूद है। प्रत्याशियों को टिप्स दिए जाएंगे इस बैठक में। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमित शाह ने बयान दिया है कि ये कोई अंतिम सूची नहीं है, संशोधन भी हो सकता है। तो अब देखना है इस बैठक के बाद क्या निर्देश होते हैं और प्रत्याशी कैसे चुनावी मैदान में उतरते हैं, क्या कुछ निर्देश उन्हें दिए जाते हैं। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन क्या उन्हें निर्देश देते हैं। तो मिशन 23 को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से मुस्तैद है। ग्राउंड जीरो में हमारे सहयोगी भी लगातार डटे हुए हैं, बने हुए हैं। स्वप्निल गोरखेड़े जो पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, जितना भी घटनाक्रम हो रहा है उसे लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों से विधायक भी बुलाए थे और उनका प्रशिक्षण किया गया कल, और अब उन्हें सभी जिलों में भेजा गया है कि जमीनी वस्तु स्थिति से अवगत कराएं। और अब जो 21 प्रत्याशी उनकी आज बैठक हो रही है कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर बीजेपी के कार्यालय में, और प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन इस बैठक को लेंगे। तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में, और देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक के क्या नतीजे निकलते हैं, इस बैठक के क्या परिणाम निकलते हैं, क्या जानकारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी जाएगी। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। कांग्रेस में भी पार्टी के टिकट आवंटन के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया लगातार जारी है, और अब उसके नतीजे भी कुछ दिनों बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की भी सूची आएगी। कांग्रेस पर सूची जारी करने का दबाव बन गया है, और इसी दबाव के बीच भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा करने की कोशिश में, कवायद में जुट गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो में हम सीधे अपने सहयोगी स्वप्निल के पास चलेंगे, स्वप्निल से मुखातिब होंगे। स्वप्निल, बैठक शुरू हो गई है, क्या कुछ चल रहा है? आज देखिए 21 प्रत्याशी की पहली बैठक है, अब से कुछ देर बाद शुरू होगी, और जो प्रत्याशी हैं उनके बीजेपी प्रदेश कार्यालय आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, और अब से कुछ देर बाद ये बैठक होगी। मैं सीधे वो बैठक जहां होगी उसकी तस्वीरें दिखाऊंगा। विधायक जो है वो 21 प्रत्याशी जिनकी घोषणा पिछले दिनों हुई है वो यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जो है वो बैठक लेंगे। देख सकते हैं यहीं पर बैठक होगी, और प्रत्याशी जो है वो उनके जो है आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर बाद बैठक होगी, और बैठक में जो प्रत्याशी जिन्होंने चुना घोषणा हुई है उनको किस तरह जो है प्रचार प्रसार करना है, जनता के बीच कैसे जाना है, केंद्र सरकार की योजना जो का लाभ जनता को कैसे मिल रहा है, और 15 साल तक जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी तो उस दौरान कैसे जनता को लाभ मिला, क्या क्या विकास काम हुए, इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच कैसे जाना है, प्रचार प्रसार करना है, उन तमाम विषयों पर जो है जो प्रत्याशियों की घोषणा है उनको जानकारी दी जाएगी, और प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा जनता पर बिंदुओं पर जानकारी दी जाएगी। तो अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी, और इसी जो यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्याशी की जो तस्वीर है वो यहाँ बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल, और आप नजर बना के रखिए, थोड़ी तकनीकी बाधाएं आ रही हैं, लेकिन हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।